मोर ऑफ मैट्रियार्कल सोसाइटी, वहां औरतों की ज्यादा चलती है बनिस्बत मर्दों की, वो बात तो सही है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सर्टन पॉलिसीज को हमको एकदम से नकार भी नहीं करना, चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि कंटिन्यूस एक थोड़ा बहुत एजुकेशन करना ठीक है टू अट्रैक्ट द अटेंशन, लेकिन उसको कंटिन्यूस करते रहने देने से वो कुछ नहीं होता है, वो घाव बढ़ता बढ़ता नासूर ही बन जाता है, नेगेटिव मोड में चला जाता है, पॉजिटिव मोड नहीं आता है। तो व्हाट यू आर सेइंग कि इन्होंने बताया कि उसका सॉल्यूशन क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। सॉल्यूशन इज कि अगर वेमेन इतना ज्यादा एजाइल है अपने इश्यूज के, आज के तो दिन में 50% स्टेट्स आर गवर्न बाय यू नो रीजनल पार्टीज, रीजनल हेड्स ने सर उठा लिया है, कांग्रेस से है कि वहां है, कांग्रेस इज ओवर, और अगर वहां पर प्रतिनिधित्व सही नहीं हो रहा है तो ये ग्रुप जो आप लोग बता रही है महिलाओं का, ये क्यों नहीं अपना एक फोर्स बनाते हैं, पॉलिटिकल फोर्स बनाते हैं, उसमें आपको पॉलिटिकल फोरम, हमारी फोरम से कोई तरह की मदद की जरूरत है, विल ऑलवेज बी देयर टू नेगोशिएट, कोऑर्डिनेट एंड डू थिंग पॉजिटिव। आप अपनी महिला शक्ति वहां ले आइए, अपना एक कोई सुनिए, ये चीफ मिनिस्टरशिप इनको क्यों नहीं समझ में आता, एजुकेशन करने से क्या होता है, अगर आप उनसे सिंह साहब से इतना नाखुश है, ऑर्डिनेट बताइए, निगेट मत कीजिए, बस पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। सिंपल तो नाम बोल दे, मेरा नाम अजय महाजन है। हो सकता है मैंने शुरू में बहुत कुछ मिस किया हो, अगर आपने कहा था तो फिर आप बाद में बात कर सकते हैं, पर अगर नहीं ये चीज क्लियरली इनफ आई थी, हमारी सरकार के सामने, भारत की सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, अकॉर्डिंग टू देम और अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द रियल डिफिकल्टी और चैलेंज, इफ देयर इज, अगर कुछ है ऐसा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए और इस तरह के नीति और ऑपरेशन को, इस तरह की और एनी अदर सच और इन एनी अदर फॉर्म, जैसा कि आप कह रही है मणिपुर पुलिस कमांडोज का जो प्रोसेस है, बट पर्टिकुलरली अगर पहले अगर AFL जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को देखें तो क्या है, व्हाट इज इट दैट प्रिवेंट्स देम, एंड अगर हटाते हैं तो क्या होगा, एक ये सवाल और उनके reasons and real reasons and your view on that, and दूसरा as जैसे कि already ये सवाल आ रहा है, I think हम सभी शायद जानना चाहते हैं कि आपकी राय में आगे इसमें हम as individuals, groups, civil society, हम लोग क्या कर सकते हैं, and obviously ये it's बहुत deeply shocking है कि हम लोग कितना कम जानते हैं इस मणिपुर के बारे में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और इवन आफ्टर इरम शर्मिला के 9 साल के फास्ट के बाद, एंड इमेजिन इन हम एक हिंदुस्तान जैसे एक हम अपने को प्रजातांत्रिक और क्या क्या देश समझते हैं, और किसी रूप में शायद होंगे भी, और मैं नॉर्मली समझता हूँ कि ऐसा है कंपेयर अगर दूसरे देशों से तुलना करें, पर इवन आफ्टर दैट वो जो एक मदर्स का और विमेन का जो न्यूड प्रोटेस्ट हुआ था, उसने भी अगर हमारे देश के हमारे कॉन्शियंस को, हमारी आत्मा को नहीं छुआ, और एक पॉपुलर और सोसाइटल रिस्पांस और गवर्नमेंटल रिस्पांस नहीं हुआ, तो दैट इज यू नो ऑब्वियसली वेरी डिस्टर्बिंग। तो इससे में हम क्या, बट एक बहुत बड़ी खाई है शायद बाकी देश और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, उसको क्या हम कैसे जानते हैं क्या करें। मैडम मैडम एक लिंक क्वेश्चन है, डॉक्टर वोरा जो असीत ने बोला था ना, प्रॉब्लम इसलिए अराइज कर रही है बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर नेशनल यूनिटी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, देन देयर बी इंसर्जेंसी सर्टेनली इन ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो देन द सॉल्यूशन इज अ वेरी डिफरेंट वन, इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो इन्होंने कहा, तो यू रियली हैव टू लिंक इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट असीत रियली रेज्ड। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ नेशनल यूनिटी तो एक किस्म की प्रेशर तो रहेगा सेंटर से, then the solution is not, I mean, it has to be a political solution, not, you know. Okay, I'll just say this clear. I'll try very hard here, I'll ask you if there is one source of one of the better, you know. I'll just try to do this very, I'll go to the next example.
आपने ही नरेट किया है कि ये सवाल काफी दिनों का है. सवाल इतना ही है कि जो वहां घट रहा है वैसी घटनाएं लगभग बॉर्डर स्टेट्स में कई जगह हो रही है. तो एक तो जो आंदोलन वहां कर रहे हैं, जो अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, कि इसमें से एक स्थायी रूप में वो क्या सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस ढंग का है. तो उस दृष्टि से और साथ ही साथ क्योंकि इस पर यदि पॉलिटिकली आम सहमति नहीं बनती है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी सवाल हल करने का तरीका क्या होना चाहिए ऐसा हमको लगता है. क्योंकि कोई भी यदि सत्ता में जाता है तो अल्टीमेटली बंदूक के नोक पर सवाल हल करने का एक दृष्टिकोण आज तक के हमारे 60-65 साल का 62 साल का जो हमारा अनुभव है हमारे देश के स्वतंत्रता का उसमें वो दिखता है. तो उस दृष्टि से और खासतौर पर मणिपुर में वहां का ये सवाल हल करने के दृष्टि से यदि अलग अलग कोई सॉल्यूशंस है तो वो क्या है. ये मैं प्रिया से कहूंगी कि वो क्या सवाल को संक्षिप्त में जवाब देना संभव ही नहीं है, पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी करूँगी क्योंकि ये सवाल तो बहुत ही एकदम फंडामेंटल है और संक्षिप्त में जवाब देने का क्या कोई इंसान कर नहीं सकता. एक्चुअली ये बहुत डिस्कशन के जैसे देवता जी ने एकदम सीधे कहा कि ये दीप्ति का ये इनका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये जवाब कोई एक इंसान नहीं दे सकता. इसलिए ये जवाब जो है ये मैंने एक कुछ कारण किया है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ और फोरम्स के सामने पेश कर रही हूँ, पर इसका हल जो है मेरे तरफ से नहीं आएगा. इसका हल ये शर्मिला भी बैठी है 9 साल से, इनकी तरफ से भी नहीं आ सकता ये हल, नहीं तो हल आ चुका होता है ना. ये हल तो एक्चुअली ये जो खींच रही है हम लोग का दृष्टि इस जिस ओर उस ओर अगर और पार्टीज आपने कहा दीप्ति ने आपकी कहा पीपल्स कॉन्क्लेव आपने कहा कि रीजनल पार्टी बननी चाहिए. ये रीजनल पार्टी जिसमें महिलाएं बाकी मैं हूँ ये सब एकदम होना चाहिए. मैंने पीपल्स कॉन्क्लेव ऑफ रियल पीपल आई डोंट नो अबाउट टाटास एंड ऑल बट ऑफ मोर एंड मोर ऑफ पीपल और फ्रेंकली आई डोंट नो अबाउट बिग कंपनीज बिकॉज आई थिंक जो बड़ी कंपनीज हैं ये क्यों वहाँ हो रहा है या ये क्यों छत्तीसगढ़ में या भरतपुर में हो रहा है इसके पीछे भी षड्यंत्र हम जानते हैं कि ये कैपिटलिज्म है और एक पूंजीवाद के अंदर ही हम सब रह रहे हैं. तो वो जो लैंड एक्विजिशन के हैं मकसद वो सब भी जो स्टेट का जुड़ा कॉरपोरेट इंटरेस्ट के साथ है वो वाइडर फ्रेमवर्क हम सब एक तरह से मैं घंटे भर में कुछ भी नहीं कह पाई हूँ पर इतना तो मैं कहूँगी हूँ कि ये वाइडर फ्रेमवर्क को हम अगर भूल जाएं तो हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे. ये वाइडर फ्रेमवर्क है सरकार का एक सिक्योरिटी पैराडाइम इसके साथ मैं कहूँगी सिक्योरिटी पैराडाइम. एक्चुअली जो आपने भी कहा कि आफ्सपा जाने से आफ्सपा जाना बहुत ज़रूरी है पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो सिक्योरिटी पैराडाइम है और ये क्यों बॉर्डर स्टेट्स पर क्यों ये सब हो रहा है ये ज़रूरी है हमको. मैं भी ये समझना शुरू की हूँ एक्चुअली ये सब और ये हैरानी की बात है कि हम सबको ये सब बहुत कुछ और समझना चाहिए और अभी भी हम ABC पे ही हैं. आपने ये कहा कि आर्मी और सिविल सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट मेरे को ये बहुत मीनिंगफुल आपका स्टेटमेंट लगता है. आर्मी और सिविल सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट पे हम जानते कितना है हमारा स्टैंड क्या है इस पर और आर्मी का जो वर्चस्व है जिसपे स्टेट भी उठने टेक लेता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं. कम से कम जानकारी तो लें कि आर्मी का इतना वर्चस्व हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट में हम पाकिस्तान को कहते हैं कि आर्मी का रोल हमेशा रहता है पर यहाँ पे भी क्या क्या है आर्मी का रवैया क्यों स्टेट उसके ये सब अगर हम भूल के और कि नहीं कोई एक ग्रुप बन जाएगा कोई एक पार्टी बन जाएगी तो सोल्यूशंस नहीं आएंगे. इसलिए सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा डीपली ही आएंगे और इसके लिए न तो एक दिन में आएंगे पर आपको ये कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट खासकर श्रवण जी ने कहे कि कुकी नागा कुकी मेहते कॉन्फ्लिक्ट नागा मेहते कॉन्फ्लिक्ट या काकर नोकी कुकी
15 अदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उसमें बहुत और पेचीद किया हैं, ये सब भी बढ़ते जा रहे हैं, ये सब भी स्टेट पैराडाइम के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ये सब सब भी स्टेट आर्म सप्लाई होता है कुछ मिलिशियाज को. अभी मैंने ये इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट की यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं कहना चाहिए, इट्स ऑल शेड्स ऑफ ग्रे. मैंने कुछ ये नहीं है कि ये सही है और मिलिशिया सही है और स्टेट गलत है या ये वाले सही है इनके लिए. इट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट एंड अनलेस वी ऑल और मेन जो ये पॉइंट पॉलिटिकल सोल्यूशन रेफरेंडम होना चाहिए वहाँ के आप लोगों के साथ बैठेंगे. यहाँ पे जो मणिपुरी स्टूडेंट्स टीचर्स हैं उनके साथ मैं बैठने लगती हूँ, उनके साथ बहुत कम भारतीय बैठते हैं. दे टेल मी दैट यू आर द फर्स्ट इंडियन हू हैज टेकन सो मच इंटरेस्ट इन मणिपुर. मणिपुर यूनिवर्सिटी में मेरे को बुलाया बोलने के लिए पिछले नवंबर में, अभी नवंबर में, एंड दे से दैट किसी इंडियन ने इतना हमको ये बहुत इतना प्यार हुआ कि लोगों ने मुझे दिया. आई एम सो ओवरवेल्ड. मैंने तो 3 साल की मेरी समझ है, उससे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट को बहुत कम जाती थी, बट इतना ही उनको लगता है. मेरी डीप स्टडी यहीं तक है, इससे ज़्यादा डेप्थ मुझे खुद जानकारी नहीं है. इट नीड्स अ लाइफ टाइम टू कीप स्टडी. I may take it on, I may not. But this is a particular thing that why it's for more of us to take it on also, na? वो क्यों कहते हैं कि भारतीय एक भारतीय ने इतनी रुचि ली हमारे मणिपुर में, हमको अच्छा लगता है. वहाँ का आप थाली में बैठेंगे तो वेटर कहेंगे कि ये हमने सब्जी इंडियन स्टाइल से बनाई है, मणिपुरी स्टाइल से नहीं. हाँ, so what is going on? यहाँ पे इट्स इजी टू से कि अरे वो तो अपने को अलग समझते हैं, वो सीड करना चाहते हैं. आई एम टोटली विद देम राइट नाउ. इफ आई वर अ मणिपुरी, नोबडी इन इंडिया नोज माई हिस्ट्री. एबीसी मेरे इतिहास का नहीं जानते. हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्या मणिपुर के बारे में है, कि उनमें इंडिपेंडेंट राज्य थे ये भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं जानते. वहाँ के आर्मी और आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते. ओके, so they are brought in with all kinds of training. I don't know what all is in that training, but you're saying ki they are even told to rape women. I would not be surprised. I have got responses after my book. Rediff mail ne kuch dalte hain wo to Rediff mail. I went to it to see ki blog unka kuch hai. So blog mein logon ke aam logon ne jo kitab padhi responses hain usme itna debate chal raha hai. I was shocked to see. हाँ, तो सम पीपल आर सेइंग वेरी गुड दैट यू ब्रॉट दिस आउट. शर्मिला कितना कर रहे हैं. देर आर सीआरपीएफ एंड आर्मी पीपल हु आर राइटिंग इन. देयर इज वन ऑफ देम सेइंग कि आप कह रहे हो, अच्छा उनके बीच में चल रहा था तो किसी ने कहा कि आर्मी क्यों नहीं, आर्मी और ने जो अपराध किए क्यों नहीं खुले. आप कह रहे हो उसमें जो डिबेट चल रहा है कि आप कह रहे हो कि आर्मी सीआरपीएफ ने अपराध नहीं किया है तो खुलेआम जो चार्जेस हैं उनका जुडिशियल प्रोसेस क्यों नहीं होने देते. हाँ, सो द सीआरपीएफ मैन या आर्मी का इज रिप्लाइंग दैट आप कह रहे हो कि हमने बलात्कार किया है, यू कॉल कम टू मणिपुर एंड सी. यहाँ के घरों में आके देखो इन महिलाओं का कौन बलात्कार करेगा, इन सबको एच आई वी एड्स है. स्टेटमेंट इट्स ऑन द नेट. हाँ, देन दिस इज ऑल्सो सेइंग दैट यहाँ के घरों में आप कह रहे हो लूट कर रहे हैं हम लोग. या घरों में आके देखो घर में है क्या, एक टूटा बर्तन है. One empty utensil in the house. Now this is the kind of I'm not saying this is the entire armed forces, but this is a pratinidhitva of the armed forces to this kind of force. Now these are so you know we just have to understand this much more. मैं तो इतना कह सकती हूँ. Certainly I'm with Devta ji and this political solution के बगैर. And that doesn't mean to me only political parties. It means also political parties. But it means all of us. That's what the people of Manipur are saying. कि हम लोग क्यों नहीं politics में, हमारी आवाज क्यों नहीं है. हम लोग भी कहते हैं कुछ भी हो जाता है दिल्ली में हमारी कोई आवाज नहीं है. तो उसका वो तो people to people contact तो थोड़ा सा हम बना रहे हैं. When they call me to Imphal, I say I can't even pay to come. 10,000 rupees लगता है, मैं नहीं आ सकती. मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ मणिपुर. But if there is some way of going, there is at least some kind of contact. And how to actually build on this contact, मैंने वहाँ के लोगों से आप देखिए उनकी कविताएँ, उनका लेखन इतना रिच है. उनका थिएटर इज बेटर देन एनीथिंग आई सी. हाँ, तो विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. एंड इन द
हाईली पॉलिटिकल, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल. तो ये सब उनकी जो मेरी कॉम है जो क्या है, तो ऑल दिस पीपल आर देयर. द लिबरेशन नाउ व्हेन वी से सेसेशन एंड आई सिट विद मणिपुरीज, दे आस्क मी व्हाट इज योर स्टैंड ऑन लिबरेशन. Liberation is the same word as secession, is what I've understood. What we call secession, the Indians, is what the Manipuri calls liberation. And it's a term that when they say Racha, inse pooch sakte hain, toh ye shabd nikal ke mere se poocha, ki aapka kya mat hai ispe? And Irum Sharmila ka kya mat hai ispe? The Manipur Research Group here in Gaelio, they asked me ki Irum Sharmila ka kya mat hai on liberation. Now I said I don't know, because she has not talked to me about what she thinks about should Manipur be a separate Rajya or a separate country or should it not. And I think that she has said, somebody has asked her and she has said ki ek ek kadam. So abhi to ye kadam hi bahut hai ki armed forces special powers act hataya hai. So kadam hai kadam hai. A referendum is what the UNLF is asking for. Some of the insurgent groups are saying that referendums are needed. And if people want to be a separate country, I don't see who I am to say that they should not be a separate country, but or the Indian state for that matter. But agar wahan ke log ja rahe hain, I don't think all the people want a separate country. This I don't know enough, but I don't think anybody knows really ki kitne jab tak referendum nahi hoga. कैसे पता चलेगा कि लोग ज्यादा क्या, ज्यादा लोग क्या चाहते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ नागालैंड, द नागास इन मणिपुर आर अगेन आर देयर अ प्रॉब्लम ह्यूज, आई मीन अनसॉल्वेबल लगता है ये भी कि नागा और मेते का प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा. जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है, नागालैंड की डिमांड है, उसमें 40% ऑफ मणिपुर एरिया विल गो इनटू द सेपरेट ग्रेटर नागालैंड स्टेट. सो दीज आर वेरी, ईच इशू needs attention, each issue has to needs negotiation, each issue needs dialogue. But ye dialogue ka process hi sarkar shuru nahi kar rahi na. I mean, if as Radha said, what is the way forward, she is actually just asking for dialogue. Mujhe to ye dikh raha hai ki kam se kam inke rehte people, Nagas, Naga human rights groups respect her, cookies respect her, she is a Meitei. So it is, I think it's one position that at least everybody is respecting. I think this is the power of ahimsa, of satyagraha, of non-violence. Even somebody who is taking up arms is still respecting a sacrifice. Though they're also saying many other things, that jab hum gun uthate hain, to hum bhi sacrifice ke liye tayar. People have said to me that people, we pick up a gun, we know that in 2 years we will not be alive. Somebody in JNU told me this, my old friend of mine picked up the gun, went into one of the insurgent groups, knew he was sacrificing his life, died within a few. So people do different things for their political aspirations. And I don't have the final answers, but I am just inclined towards nonviolence, and I'm inclined towards satyagraha being as very essential, I think very significant. And I would be interested in also having, you know, ki ye satyagraha ka jo rasta hai, kya ye bhi hum log, agar citizens groupings ya citizen, is this also something we want to really espouse to be? Is this, I've tried to cover, I may have left out something. Can I just add something? मुझे लगता है बहुत आशा से बहुत देर हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ जो मैं चाहती हूँ, और जो सुदर्शना ने थोड़ा मेंशन किया, तुमने उसका उसके उसका जवाब नहीं दिया जो उसने ऑफर किया द आइडिया. क्योंकि ये जो एक्चुअली जो इशू रेज किया गया है कि अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, क्या करें आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो अलग है. तो जो आपने अभी जो कुछ कहा मेरे दिल को छुआ इसने, और थोड़ा बहुत हमें मालूम था जो हमने रांची में ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक पूरा सेक्शन मणिपुर की औरतें आई थी, वहाँ मैंने कुछ सीखा था, और अभी और भी कुछ सीखा, और मुझे और भी लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है हमें कुछ करना. और मुझे लगता है कि जो, क्योंकि मैं कश्मीर की हूँ, कश्मीर में भी जो इशू है वो बहुत सिमिलर है, लेकिन कश्मीर में औरतें और ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का नहीं है जितना मणिपुर में है. और मुझे लगता है कि जो ये आपने ऑफर किया वुमेन्स पॉलिटिकल फोरम की, इन्होंने
उसमें हमें उस डायरेक्शन में ये जो औरतें हैं मायरा पाई भी उनको लेकर के वो जो एक औरतों की तरफ से एक अल्टरनेटिव और खड़ा हो सकता है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनिफेम क्योंकि ये वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन का भी इशू है इसमें बहुत जो रेप और उसकी जो सवाल है तो उसको लेते हुए मुझे लगता है ये जो आपने कहा उसको हमें थोड़ा बारीकी से देखना होगा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या उस तरफ वही बात बता रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफी का हमारा प्रॉब्लम है वहाँ वो तो हमारे लेह में भी है कश्मीर में भी है लेकिन वो उसका सॉल्यूशन है वहाँ ऐसी भावना एक समय में थी लेकिन आज के दिन में नहीं एवरीवन स्पीक्स हिंदी देयर एक समय था जब वो भी अपने आप को नहीं मानते थे एक सेशन हम लोग आपस में बात ना करें सवाल है कि बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब उनको मिलजुल कर ढूंढना है आज ये जो सवाल शर्मिला के बारे में हम लोगों ने वैसे तो ये सवाल पूरे देश में है मगर जिस तरीके से सवालों को हमको लेना चाहिए आज ये की शुरुआत है कुछ ग्रुप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको राजनीतिक दृष्टि लोगों ने सोचा नहीं है आज मैं 2004-05 की मैं भी कुछ बात करना चाहती हूँ इसलिए कि जब ये मनोरमा का रेप केस हुआ था तो एक ग्रुप पॉलिटिकल ग्रुप कहिए या यूथ ग्रुप कहिए वो मणिपुर गया था उनका एक ही सवाल था कि साहब हम आपके देश के हैं ही नहीं क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से इन सारे देशों को काट के देखा जाता है इनके सवालों को देखा जाता है तो वो अलग होते जा रहे थे इसलिए उनके लिए जो एक्ट है वो सरकार भी कैसे समझेगी हमारी पॉलिटिकल पावर को हम जिस लोकतांत्रिक देश की बात में रह रहे हैं जिस पॉलिटिकल पावर को गेन करने की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से पूरा ये साजिशन चाहे इंफाल हो चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो चाहे कश्मीर हो हम लोग सारे इशू को तो कर लेते हैं मगर ये जो साम्राज्यवाद का नया रूप आ रहा है जो साम्राज्यवाद के तरीके से जो सरकार उसके साथ मिलकर काम कर रही है वो साम्राज्य नई कॉलोनियल स्टेट को बनाने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है तो ये सवाल हमको लगता है बहुत सारे सुझाव आए हैं साथियों की तरफ से बहुत सारे आगे हाथ बढ़े हैं अगले कदम की बात भी हो रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है बहुत अच्छी बात है और हम 2005 में एक पूरा ग्रुप मणिपुर के साथ गए थे वो लोग हमारे साथ अटैच भी रहे युवा भारत उन लोगों ने हमारे पास आकर अपना नाटक किया है लोग छोटे छोटे लोग ग्रुप में सोच जरूर है मगर जो आज एक बहुत बड़ी जरूरत है बहुत ताकत के साथ जरूरत है वो आज एक शुरुआत है तो हमें लगता है कि जो सवाल आए अभी छूटे हुए हैं जो सोल्यूशन हम अभी नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम विचार करें अगली कदम की तैयारी के लिए अगर हम यह संकल्प लेते हैं तो शायद आज का ये जो सेशन है हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है और इस देश और समाज के लिए भी बहुत उपयोगी क्योंकि ये जरूरत भी है इसलिए मैं दीप्ति प्रिया को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की हमारे बीच आई और इस सवाल को बहुत हम लोगों को मन को छूते हुए रखा बहुत सारी जानकारियां दी इसलिए मैं दीप्ति प्रिया को पुनः धन्यवाद देती हूँ और इस शिशु ने आगे आती रहे और इस सवाल को जैसा देवदीप जी का सवाल है कि इसको पॉलिटिकल रूप से क्या होना चाहिए और हमें सहयोग करती रहे इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पर सेशन को क्लोज करना चाहती हूँ धन्यवाद अच्छा